Hello dear students, we already discussed our chapter number 70. In previous, the name of our chapter is The Revolt of 1837. In previous part, we discussed about the introduction of the chapter and also discussed the coming of the European traders in India. What is the main purpose for coming in India? In this part, we discuss about the battle of the Plassey, 1757. Why this battle happened in Plassey? What is the Plassey? Where it is situated? We all things we discuss in this part and also discuss the injustice of the British. How do the Britishers doing injustice with our farmers, our industrial persons, our poor person, like some kings? So all the things we discuss in this part. So let's go to our screen. The Battle of Plassey. In 1757, बंगाल इन दोज डेज वॉज रूल्ड बाय नवाब सिराजुद्दौला. उस टाइम में जो बंगाल था वो किसके द्वारा शासन किया जाता था? उस टाइम पीरियड में बंगाल पर नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा रूल किया जाता था. ही आस्क्ड द ब्रिटिश नॉट टू बिल्ड फोर्ट्स एंड टू रिमूव देयर ट्रॉप्स. उन्होंने ब्रिटिशर्स से बोला कि आप इंडिया में अपने फोर्ट्स को बिल्ड नहीं कर सकते हैं और यहाँ से अपनी ट्रॉप्स मीन होता है उनकी सेना को, यहाँ से उनको रिमूव करना होगा. द ब्रिटिशर्स रिफ्यूज, पर ब्रिटिशर्स ने इनको मानने से इनकार कर दिया. अ बिग बैटल वॉज फॉट एट प्लासी. और इसके बाद एक बहुत बड़ी बैटल मीन होता है युद्ध. एक प्लासी जो कि एक विलेज है इन वेस्ट बंगाल का एक प्लेस है, वहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला एंड जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में एक बैटल हुई थी. सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल ड्यू टू द ट्रेचरी ऑफ हिज जनरल मीर जाफर. और जो सिराजुद्दौला थे वो इस बैटल को उनके एक जनरल थे मीर जाफर, उनके ट्रेचरी मीन विश्वासघात के कारण हार गए. द ब्रिटिश नाउ बिकम वेरी पावरफुल इन बंगाल. जो ब्रिटिशर्स थे अब वो बंगाल में भी कैसे हो गए, बहुत पावरफुल हो गए. इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री किंग वर फाइटिंग अमोंग देमसेल्व. अब जो हमारी कंट्री थी, हम जानते हैं कि हमारी जो इंडिया थी पहले वो बहुत छोटे छोटे किंगडम्स के रूप में डिवाइडेड थी. तो अब जो इन किंगडम्स के किंग थे वो आपस में ही फाइट करते थे. द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ दिस. और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इसी का क्या किया, इस एडवांटेज को लिया. दे हेल्प्ड वन किंग अगेंस्ट द अदर. और वो एक किंग की दूसरे किंग के अगेंस्ट क्या करते थे, हेल्प करते थे. इन दिस वे दे अगेन मोर पावर एंड वेल्थ. इसी के रास्ते वो क्या करते थे, मोर पावर और वेल्थ. नोज उनकी समृद्धि जो थी और समृद्धि लाइक इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करते जाते थे. स्लोली दे सक्सीड इन कैप्चरिंग लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. और इसी के कारण धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के लार्ज पार्ट को सक्सेसफुली क्या कर लिया था, अपने कंट्रोल में कर लिया था. इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश. द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी. जो ब्रिटिशर्स थे वो सिर्फ मनी मेकिंग के लिए इंटरेस्टेड थे. दे फोर्स द फार्मर ऑफ बिहार टू ग्रो इंडिगो, अ प्लांट यूज फॉर मेकिंग अ ब्लू डाई. अब उन्होंने जो बिहार के फार्मर्स थे उनको इंडिगो जो कि एक प्लांट था जिसके द्वारा एक ब्लू रंग की डाई बनाई जाती थी उसको ग्रो करने के लिए फोर्स किया. दिस डाई वॉज यूज इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल्क क्लॉथ. और इस डाई का इंग्लैंड में क्लॉथ को डाई करने के लिए यूज किया जाता था. द फार्मर्स हैड नो नीड फॉर इंडिगो एज दे नीडेड फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्फ. अब जो फार्मर्स थे बिहार के उनको इस इंडिगो की कोई नीड नहीं थी, उनको तो सिर्फ फूड ग्रेन्स की नीडेड थी. फूड ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, ग्राम, इन सब फूड ग्रेन्स की नीड थी जिससे वो अपने आप को फीड मीन क्या, अपने लिए फूड या फिर जो जिसको वो खाना खाते थे उन सबको ले सकें. दे वर फोर्स टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट अ लो प्राइस. और उनको फोर्स किया जाता था कि वो इंडिगो को ब्रिटिशर्स को लो प्राइस पर सेल करें. एज अ रिजल्ट द इंडियन फार्मर्स बिकम वेरी पुअर. और इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जो इंडियन फार्मर्स थे वो बहुत पुअर मीन बहुत गरीब हो गए.
Similarly, the weaver were forced to sell their cloths at a very low price. और similarly, इसी प्रकार जो weaver थे, weaver mean होते हैं जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, उनको भी फोर्स किया गया कि जो क्लॉथ वो बनाते हैं उन क्लॉथ्स को वो बहुत लो प्राइस पर ब्रिटिशर्स को सेल करें। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड। और जो इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री मीन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती थी, जो वन या टू या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा कंडक्ट की जाती थी, वो भी इन ब्रिटिश ग्रीड मीन्स ब्रिटिश के जो अत्याचार था उसकी विक्टिम बनी। ब्रिटेन कुड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू इट्स कोल्ड क्लाइमेट बट दे हैड बिग कॉटन टेक्सटाइल मिल्स विच रिक्वायर्ड कॉटन। अब जो ब्रिटेन था वो खुद से कॉटन का ग्रो अप नहीं कर सकता था, क्यों? क्योंकि जो ब्रिटेन का क्लाइमेट था वो कैसा था, कोल्ड क्लाइमेट था। जो कॉटन है उसके हिसाब से जो इंडियन एटमोसफेयर है वो बहुत फेवरेबल रहता है, तो जो कॉटन की जो ग्रोइंग या फिर जो कॉटन का प्रोडक्शन होता था वो इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से लार्ज अमाउंट पर होता था। तो बट जो इंग्लैंड की जो मिल्स थी उनको कॉटन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती थी क्लॉथ बनाने के लिए। सो रॉ कॉटन वॉज कॉट फ्रॉम इंडिया एट अ लो प्राइस एंड सेंड टू ब्रिटेन। और क्या होता था कि उस कॉटन को, रॉ कॉटन को इंडिया से ख़रीदा जाता था और बहुत कम प्राइस में इंडिया से ख़रीद कर ब्रिटेन सेंड कर दिया जाता था। इन रिटर्न क्लॉथ वॉज शिप्ड बैक टू इंडिया एंड सोल्ड इन इंडियन मार्केट। और इसके बाद क्या होता था इन रिटर्न कि जो यहाँ से कॉटन जाता था उसके बाद में वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कॉटन मिल्स थी इंग्लैंड में उनमें उस कॉटन से क्लॉथ्स बनाए जाते थे और उन क्लॉथ्स को वापस इंडिया में लाकर इंडियन मार्केट में सोल्ड मीन बेच दिया जाता था। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू एस्टैब्लिश देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडियंस को अलाउ नहीं किया था कि वो अपनी खुद की मिल्स या फैक्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकें। द ब्रिटिश मेड अनजस्ट लॉ टू मेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर किंगडम्स। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने कुछ अनजस्ट मीन जो अन्यायपूर्ण या फिर गलत जो लॉ रहते हैं इंडिया के मोर किंगडम्स पर अपने आप पावर को कंट्रोल करने के लिए या जो इंडिया के ज़्यादा किंगडम्स थे उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ अनजस्ट लॉस को पास आउट किया। उनमें से एक था, वन सच लॉ वॉज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उनमें से एक लॉ था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच सेड दैट इफ अ किंग डाइड विदाउट अ मेल चाइल्ड। उसके अनुसार कि यदि कोई किंग जिसका कोई भी मेल चाइल्ड नहीं है, हिज किंगडम्स वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। इसके अकॉर्डिंग यदि कोई किंग है जिसका कोई भी मेल चाइल्ड नहीं है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पूरे किंगडम को ब्रिटिशर्स के द्वारा अपने कंट्रोल में कर लिया जाएगा। दस फार्मर्स ट्रेडर्स किंग्स एंड कॉमन पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। और इसी के कारण जो फार्मर्स थे, ट्रेडर्स, किंग्स एंड कॉमन पीपल थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाइड मीन असंतुष्ट हो गए। दे वॉन्टेड टू ओस्ट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। और वो चाहते थे कि वो ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकाल दें। सो व्हाट वी लर्न इन दिस पार्ट, वी लर्न द बैटल ऑफ द प्लासी 1757, द ऑन दैट बंगाल वाज रूल्ड बाय द नवाब सिराजुद्दौला एंड दैट ब्रिटिशर्स आर ब्रिटिशर्स बिल्ड देयर इंडस्ट्री इन इंडिया, दे बिल्ड देयर फोर्ट्स, देयर इंडस्ट्रीज एंड दे वांटेड देयर आर्मीज। Okay, so after that, Nawab Sirajuddaula also told him, if you are not able and not permitted to build there your industries, but Britishers are not follow that rule, and the result of battle is here on Plassey. Okay, and also discuss the injustice of the Britishers. How do Britishers do injustice to the Indian farmers? They forced Indian farmers for growing a indigo plant. A indigo is a type of plant who make a dye, blue colored dye, that are used to coloring a cloth piece. And after that, the growing that indigo plant, the soil fertility is less. After, so other crops are not growing properly on that crop.
But farmers are not to accept the money and they are forcefully the farmers of India for growing the indigo. Small artisan and small industries in India who are making their own empire and making their own industry in India. So, if you have any kind of doubt related to these two topics, watch the video again. Jai Hind.